गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक्स में कश्मीर समस्या क्या है, उसकी उसका बैकग्राउंड रहा क्या रहा, भारत और पाकिस्तान के अपने अपने क्या तर्क रहे हैं कश्मीर समस्या के संबंधित पक्ष में, ठीक है, और यूएनओ की क्या भूमिका रही है, उन्होंने किस तरीके से इस प्रक्रिया को, कश्मीर समस्या को समाधान करने की क्या क्या कोशिशें की हैं, किन किन लोगों को गठित किया, कौन कौन सी कमेटियां गठित की हैं और उनके द्वारा क्या सुझाव दिए, और भारत और पाकिस्तान के द्वारा क्यों उन समितियों को या उनके सुझावों को क्यों अमान्य कर दिया गया, उन सारी चीजों की हमने यहाँ पर चर्चा की। जो लास्ट कमेटी जो गठित की गई थी वो ग्राहम थी, ठीक है, जिन्होंने वहां पर उनकी सिफारिशों को भी जब उन्होंने भारत और पाकिस्तान के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद की कश्मीर की क्या स्थिति हुई, कश्मीर के क्या 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 वहां पे प्रक्रियाएं संपन्न हुई, ठीक है, हम आज उनके वहां से स्टार्ट करते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद कश्मीर समस्या के समाधान के लिए एक प्लान लेकर आए थे मुशर्रफ, उस वो प्लान क्या था और क्या कश्मीर समस्या के लिए क्या वाजिब समाधान हो सकता है, उन सारी चीजों की हम यहाँ पर टॉपिक में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कश्मीर की स्थिति आफ्टर ग्राहम, ठीक है, आफ्टर ग्राहम कमेटी के बाद की जो कश्मीर की स्थिति हम देखने को मिलते हैं, तो वहां पर एक चीज होती है जो शेख अब्दुल्ला की सरकार थी 1954 में, शेख अब्दुल्ला की सरकार ने 1954 में अपने संविधान में संशोधन करके वहां पर अनुमति उनके विधानसभा के द्वारा, ठीक है, उनकी विधानसभा के द्वारा जनमत संग्रह कराया गया और वहां पर उन्होंने भारत में विलय की अनुमति दी, ठीक है। तो 1954 में वहां की जो राजा ने 1947 में जब भारत में विलय की बात की, उसके 7 साल बाद वहां की आपकी संसद ने, वहां के सरकार ने भी जनमत संग्रह के द्वारा भारत में विलय की अनुमति उसकी स्वीकृति को, उस विलय को उन्होंने अनुमोदित कर दी। तो 1957 तक पूरी तरह से जो कश्मीर था वो भारतीय राज्य या भारतीय संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित हो जाता है, जिसको पाकिस्तान पूरी तरह से स्वीकार करता है, ठीक है। अगर भारत जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो 1957 में फिर भारतीय संविधान संशोधन के द्वारा जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, उसे भारतीय राज्य क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है 1957 में, ठीक है। एक संवैधानिक, एक कानूनी प्रक्रिया जो होती है, एक आपका संविधान जो होता है किसी चीज को मान्यता प्रदान कर देना, ठीक है, कानूनी रूप प्रदान कर देना होता है 1957, जहां पर वो सिर्फ एक दो लोगों के बीच समझौता हुआ कि अब हम आपके यहां शामिल होना चाहते हैं। क्यों शामिल होना, क्योंकि हमारे यहां किसी ने आक्रमण कर दिया है, यही प्रक्रिया क्या आपका सिक्किम के समय भी हुई थी, ठीक है, जिसको 1957 में दोनों के राज्यों की विधानसभाओं और वहां के संशोधन संविधान विधानसभाओं और आपके लोकसभा राज्यसभा के द्वारा उसको पूरी तरह से संशोधित प्रक्रिया के द्वारा उसको सम्मिलित करते हैं। इसके बाद क्या होता है, 1957 में जब भारत यहाँ कश्मीर में शामिल हो जाता है, उसके बाद के कुछ प्रावधान है, जैसे कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 370 के अंतर्गत कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रोवाइड कराया गया। दूसरी बात में अनुच्छेद 312 जिसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या प्रावधान अनुच्छेद 312 का, प्रॉपर्टी राइट्स, क्या बात है, अच्छा अखिल भारतीय सेवाएं किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 323 जम्मू कश्मीर में अपनी अखिल भारतीय सेवाओं को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विस्तारित कर दिया गया,
ठीक है। नेक्स्ट क्या किया गया वहां पर आपके हाँ मतलब वहां पर उन्होंने अपनी अखिल भारतीय सेवाओं को कश्मीर तक विस्तारित किया। अखिल भारतीय सेवाएं क्या है? अधिकारियों को नियुक्त करने की एक संधि। अखिल अखिल का क्या मतलब होता है? अखिल भारत मतलब सभी भारत में, ठीक है, पूरे भारत में एक ऐसी व्यवस्था जो पूरे भारत में लागू हो उसको हम बोलते हैं अखिल भारतीय। जैसे कि क्या हमारे अखिल भारतीय सेवाएं हैं? क्या न्यायिक सेवा एक अखिल भारतीय सेवा है? लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें जहां कुछ चीजों में भारत सरकार के द्वारा वहां पर अपने प्रस्तुतियों को लागू किया गया है, जैसे और क्या किया गया है, जैसे कि भारत सरकार के द्वारा कश्मीर में उनके विदेशी मामलों में उनको पूरा हस्तक्षेप करने का, उनको किन देशों के साथ संबंध स्थापित करने, इसका पूरा अधिकार भारतीय सरकार को है। लेकिन कश्मीर में किसी भी व्यक्ति को, जैसे हमारे यहां जो आपको जाकर किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, वहां पर जमीन खरीद कर रह सकते हैं, ऐसी समस्याएं ऐसी चीजें आप कश्मीर में जाकर नहीं कर सकते हैं। ना ही कश्मीर में आप जाकर कोई जमीन खरीद सकते हैं, ना ही वहां पर निवास कर सकते हैं। वहां का जो निवासी होगा, जिसके पास जो जमीन होगी, आप जो रोजगार भी करना चाहें वही कर सकता है, ठीक है। तो वहां पर इस तरह की वहां पर थोड़े से, तो अगर हम कश्मीर को दो तरीके से देखें, एक जहां पर कुछ भारतीय कानूनों को वहां पर लागू किया जाता है और कुछ ऐसी चीजें जो उसको एक स्वायत्त या स्वतंत्रता जैसी चीजों को भी प्रोवाइड कराती हैं। तो स्थितियां वहां पर अभी भी वो पूरी तरह से एक भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम कहें तो, जैसे एक यूपी को अगर हम जैसे आप कंटेमिनेट कर सकते, जैसे आप उसको फॉलो कर सकते, जैसे आप चला सकते हैं, उस तरह जम्मू कश्मीर में चीजों को जब तक वहां की सरकार वहां की संसद के द्वारा किसी चीज को अनुमोदित नहीं कर दिया जाता है आप लागू नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कश्मीर की जो वास्तविक स्थिति है वो उस समय ऐसी है जहां पर आपको केंद्र और राज्य के बीच जब तक किसी प्रकार की एक समन्वय नहीं स्थापित हो जाता है तब तक वहां पर कोई नई चीज लागू करा पाना एक समस्या है, ठीक है। तो ये स्थिति है अभी कश्मीर की। मतलब वहां नहीं कर सकते वहां, नहीं बिजनेस वहां पर कोई फैक्ट्री डालकर आप नहीं कर सकते। आप कोई सामान खरीद फरोख्त कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, लेकिन आप कहें कि वहीं पे आप फैक्ट्री डाल के कुछ करना चाहें जमीन खरीद कर, तो वो चीज नहीं कर सकते। वहां पर कोई कर सकता है, वहीं का व्यक्ति, वहां का व्यक्ति चाहे तो वहां जमीन खरीदे, वहां फैक्ट्री डालेगा, आप उसके साथ व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। वहां के व्यक्ति शादी कर सकते हैं और अन्य भारत के लोग शादी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी राइट्स उस व्यक्ति को मिलेगा ना, जिस जो व्यक्ति वहां का है वो तो उस व्यक्ति का, वो व्यक्ति का स्थान तो वही है ना, उसको तो मिलेगा ही, आपको मिले या ना मिले वो उसके बाद आपको दे दे वो अलग चीज है एक कानून प्रक्रिया, लेकिन पर्टिकुलर जो व्यक्ति होगा उसको तो वहां की चीजें उसके प्रॉपर्टी राइट्स पर उसका अधिकार होगा। और जम्मू में भी नहीं खरीद सकते जम्मू, आप जम्मू कश्मीर का जो राज्य है वहां पर कहीं भी आप ऐसा नहीं कर सकते। विशेष राज्य का दर्जा कुछ विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत दिया जाता है, वह आपकी भौगोलिक स्थिति हो सकती है, ठीक है, वो आपके आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए स्थिति हो सकती है, ठीक है, वहां की आपकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति खराब होने के कारण भी आपको दिया जा सकता है, ठीक है। तो विशेष राज्य का दर्जा देने के अलग अलग प्रावधान है, जैसे कुछ राज्यों को बोला जाता है बीमारू राज्यों के आधार उनको विशेष राज्य का दर्जा दे, कुछ इलाकों को पहाड़ी इलाके होने के कारण वहां पे आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा संपन्न नहीं होते, वहां बहुत ज्यादा रोजगार क्रिएट नहीं किया जा सकते, तो वहां पर उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। उस पॉइंट पे कि मतलब वहां पर भारत सरकार के द्वारा उन राज्यों को सहायता की जाएगी आर्थिक सामाजिक हर तरीके से, हाँ, तो वहां पर आपको एक तरह के पैसे या पैकेज प्रोवाइड कराया जाता है, अन्य राज्यों की अपेक्षा ज्यादा तवज्जो दी जाती है, ठीक है। यदि भारत सरकार के द्वारा महाराष्ट्र को किसी योजना के तहत 40,000 करोड़ देने और उसी योजना के तहत आपके बीमारी या विशेष राज्य को देना है तो वो हो सकता है वहां पर 60,000 से 80,000 करोड़ तक उन लोगों को देगा, ठीक है, क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है उन चीजों को डेवलप करने के लिए। यही अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पूर्ण स्वराज्य अलग चीज है,
ठीक है, पूर्ण स्वराज क्या मरता है, जैसे बात है कि आपका जो दिल्ली का इस समय जो परिस्थिति है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे अधिकार क्षेत्र हैं जो आपकी यूपी का मुख्यमंत्री ले सकता है लेकिन आपके दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं कर सकता, ठीक है, और वो तब तक नहीं कर सकता है जब तक दिल्ली को एक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता है। केंद्र शासित राज्य है ना, हाँ अभी राज्य है उसको देखते हैं, की श्रेणी में नहीं आ जाता है तब तक वो आपका पूर्ण राज्य नहीं बनता है, पूर्ण राज्य के दर्जा मिलने के बाद ही उसको एक राज्य बोला जाता है। बाकी जो आपके हैं 29 स्टेट वो सभी राज्य है, वहां के मुख्यमंत्रियों को एक समान अधिकार है, लेकिन जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है उसके अधिकार अन्य राज्यों के अधिकारों से सीमित है, ठीक है। जनमत संग्रह किसी टॉपिक पर लोगों के बीच जाकर उनका मत जानना, उनका विचार क्या है, वो किस तरह रहना चाहते हैं, किस पक्ष में जाना चाहते हैं, एक हाँ या न्याय की स्थिति होगी। मैं आपसे बोल लूं कि आप यूपी में रहना चाहती हैं या नहीं, ये क्वेश्चन आपको डाल दिया गया, यहाँ सब लोग बैठे हैं कि आप में से कितने लोग यूपी में रहना चाहते हैं, और आप लोगों में कुछ ने कहा हाँ कुछ ने कहा ना, ये होता है जनमत संग्रह करा लिया हमें किसी क्वेश्चन को लेकर लोगों के बीच जाकर उनका जवाब जानने की कोशिश करना। हाँ सर, ज्यादा टाइम नहीं है सर, कॉन्स्टिट्यूशन में सर बनके तो 26 नवंबर यानी कि 1957 में दिया गया है जब भारत का हिस्सा हो गया कश्मीर, और सर इसमें जब कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ था तो उसमें आर्टिकल 395 थे, क्योंकि सर फिर यहाँ पे दे रहे हैं आर्टिकल 370 के तहत इसे विशेष दर्जा दिया गया है, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था तो उस टाइम कश्मीर तो भारत का हिस्सा नहीं था ना, कश्मीर का 1947 उसने भारत पर विलय के हस्ताक्षर कर दिए और भारत तब से उसको अपना क्षेत्र मानता है, वहां प्रशासित करता है, वहां पर होने वाले आक्रमणों को वो रक्षा करता रहा है, और संविधान हमारा लागू होने के बाद 1948 में जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय तक सारी प्रक्रियाएं अनुच्छेद बनाए जा चुके थे, बस उस राज्य को किस श्रेणी में रखना है वो बाद में डिसाइड किया गया था, वो 1957 में डिसाइड। अभी आपने बोला था केंद्र शासित प्रदेश जी तो पर्टिकुलर किसी देश के लिए बोला जाता है, अगर एस को स्मॉल में स्टेट बोलते हैं तो वो पर्टिकुलर किसी देश के अंतर्गत आने वाले एक विशेष भूखंड क्षेत्र पे जहां पर आपके मुख्यमंत्री या किसी आपके प्रशासक गवर्नर द्वारा वो प्रशासित होता है, ऐसे राज्यों को स्टेट बोला जाता है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश ऐसे प्रदेश होते हैं जहां पर आपका सीधे केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है और राज्य सरकार में एक अपनी सरकार होती है, वहां के नियम कायदे कानून उनको राज्य सूची के अंतर्गत उन पर कानून बनाने और वहां पर प्रशासित करने उनको लागू कराने का पूरा अधिकार होता है, कुछ विशेष क्षेत्रों में वहां पर केंद्र सरकार के द्वारा चीजों को प्रायोजित किया जा सकता है। जैसे इनको प्रदेश क्यों बोलते केंद्र शासित प्रदेश बोले या केंद्र शासित क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है, तो क्षेत्र होता है प्रदेश नहीं होता है, एक दर्जा नहीं है उसको दे। जो आपके स्टेट का जो दर्जा दिया जाता है वहां पर चार चिन्ह होते हैं, क्या क्या होता है, सरकार भूखंड हो, भौगोलिक क्षेत्र हो, उसकी जनसंख्या हो, संप्रभुता हो, ठीक है, ये चार आयाम होते हैं किसी क्षेत्र को आयाम या क्षेत्र बोलने का। किसी राज्य का होगा तो वहां पर भी एक विशेष भूखंड होगा, अगर उसका वहां पर एक विशेष जनसंख्या होगी, वहां पर उनकी एक संप्रभुता होगी जहां पर केंद्र सरकार के द्वारा वहां पर चीजों को इंटरप्रेट नहीं किया जाएगा हर बार, ये सारे जो कायदे कानून है उसके आधार पर उनको एक विशेष क्षेत्र या प्रदेश का दर्जा या राज्य का दर्जा दिया जाता है। केंद्र शासित क्षेत्रों में भी सिर्फ ऐसी स्थिति है, वहां पर एक विशेष क्षेत्र होगा लेकिन वहां की जनसंख्या इतनी ज्यादा नहीं होती है या इतना बड़ा क्षेत्र नहीं होता है कि उसको एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, एक सीमित क्षेत्र, एक बहुत छोटे क्षेत्र को केंद्र सरकार के द्वारा वहां पे गवर्नर को प्रशासित करते हैं, उस चीजों को वहां पर प्रशासित किया जाता है, ठीक है। वहां पर कौन सी नीतियां लागू होंगी ये डिसाइड कौन करता है, केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी नीतियां बनाई जाती है और वहां पर उसको प्रशासित वहां पर लागू कराई जाती है, ठीक है। सर, राज्य सूची में
जो भी राज्य में सारा जो भी काम होता है वो राज्य सरकार बनाती है, केंद्र सरकार में जितने सारे केंद्र में प्रतिष्ठा आपने बताया उसमें केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है उस पर, दिल्ली के एक्सेप्शन है उसमें तो अरविंद केजरीवाल है उनकी तो अपनी सरकार दिल्ली में कर रही है ना कानून को, और तो केंद्र सरकार जो वो लोग कर रही है इसे किस सूच में रखा जाए, इस पर वाला किस प्रकार नियंत्रण रखा जाए, मतलब आप दिल्ली किस क्षेत्र, हाँ अपवाद स्वरूप बोले तो किस क्षेत्र में आना चाहेगा, क्यों एक तो आप उसको बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी तरफ आप वहाँ पे मुख्यमंत्री का चुनाव होता है ठीक है, तो वहां पर इसीलिए वहां पर चीजें क्या होती हैं, एक कहते हैं ना एक केंद्र शासित प्रदेश और एक आपका राज्य के बीच की स्थिति है, ना ही पूरी तरह से केंद्र शासित प्रदेश है ना ही पूरी तरह से वो राज्य, इसीलिए उसको पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात की जा रही है, और ये आपके बीजेपी के जब दिल्ली में चुनाव हुए थे तो वहां पर भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में चीजें बोली हुई थी, यदि हम दिल्ली में अपनी सरकार बनाते हैं तो दिल्ली को एक पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, सही केजरीवाल ने बोला था, हाँ केजरीवाल ने भी ये चीज बोली है और आपकी बीजेपी सरकार ने भी बोली थी, लेकिन वो तब तक नहीं हो सकता जब तक केंद्र और आपका जो क्षेत्र है वो दोनों इस चीज के लिए तैयार नहीं होते, आप केजरीवाल तैयार भी हो जाते हैं तो भी वहां पर केंद्र सरकार लागू नहीं कराएंगे, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ पर हम पॉलिटिक्स के अंतर्गत डिस्कस ना करें, हमें हयार पढ़नी है, ठीक है, तो क्या दिल्ली में विशेष परिस्थितियां बनाए क्या, दिल्ली दिल्ली देखिए जो परिस्थितियां थी उस समय उसको सिर्फ राजधानी क्षेत्र के रूप में बनाया गया था, लेकिन उसकी जनसंख्या जो होते हैं उसका क्षेत्र जो होता है धीरे धीरे दिल्ली को फिर न्यू दिल्ली के बाद दिल्ली एनसीआर के रूप में विकसित किया जा रहा है ठीक है, तो उसका दायरा क्या होगा बहुत बड़ा होता है, वहां पे जनसंख्या होती बहुत बड़ी हो जाए, तो एक केंद्र शासित प्रदेश को प्रशासित करने के लिए आपको एक विशेष व्यवस्था नहीं करनी पड़ती जो एक राज्य में करनी पड़ती, क्योंकि वहां की जनसंख्या अलग होती है, वहां का वातावरण अलग होता है, वहां की चीजें आपको अलग अलग कानून व्यवस्था बहुत सारी चीजों को आपको देखना पड़ता है, और ये दिल्ली में चीजें क्रिएट होनी शुरू हो गई और इसीलिए इसका दायरा बढ़ लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिसके कारण अब एक केंद्र शासित प्रदेश की जगह आप सुव्यवस्थित एक कानून एक आपको सरकार चाहिए जो वहां पर सिर्फ राज्य के लिए क्या जरूरी है उन चीजों को देख सके, सिर्फ केंद्र सरकार अपना काम करे, क्योंकि उसके पास अगर अदर 29 स्टेट्स हैं आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं प्लस आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी ध्यान देना है, कोई समस्याएं चल रही तो उन पर भी ध्यान दें, आप पर्टिकुलर किसी दिल्ली या क्षेत्र को लेकर वो शासित नहीं कर सकते जिसका लगातार दायरा बढ़ रहा है जिसकी अलग अलग अपनी समस्याएं हैं, तो आगे चलकर हो सकता है आप ही देखिए यूपी के भी कुछ और क्षेत्रों को उसमें सम्मिलित करने की बात की गई, तो दिल्ली एनसीआर के एरिया लगातार बढ़ाया जा रहा है, इसका क्या फायदा है, इसका फायदा एक तरह की है डेवलपमेंट की बात की जा रही है ठीक है, जैसे बड़े स्टेट होते हैं बात की जाती है कि बड़े और छोटे स्टेटों की तुलना की जाती है, यहां तुलना की एक छोटे स्टेट की एक बड़े स्टेट की छोटे स्टेट की या क्षेत्र की आर्थिक तौर पर डेवलप करना काफी आसान होता है बजाय एक बड़े क्षेत्र की, कहां तक तार्किक है चर्चा करें, आपको ये क्वेश्चन दे दिया है ठीक है, तो कैसे आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, आपके पास एग्जांपल है दिल्ली जैसे क्षेत्रों का, जब विकास किया जाता है तो पर्टिकुलर किसी विशेष क्षेत्र को ध्यान में एक छोटे से क्षेत्र को ध्यान में रखकर किया जाता है, मेट्रो जैसे परियोजनाएं लाई जाती है तो वहां पर कहां लखनऊ यूपी की बात नहीं की जाती, हम पूरे लखनऊ पूरे यूपी में मेट्रो बनाए नहीं, वहां पर बोला जाता है लखनऊ, लखनऊ में भी एक सीमित क्षेत्र में, क्यों डेवलपमेंट एक सीमित क्षेत्रों पर पहले फोकस किया जाता है, पहले इस एरिया को विकसित करना है फिर इस एरिया को विकसित करना है फिर इस एरिया, तो दिल्ली एनसीआर जैसी चीजों को वहां पर चीजों को डेवलप किया जा रहा है और डेवलप करने के साथ साथ से उसका दायरा भी लगातार बढ़ाया जा रहा है और ज्यादा क्षेत्रों को उसके अंदर सम्मिलित करके उनको भी डेवलप करने की बात की जा रही है। दूसरी चीज दिल्ली एनसीआर की जो लगातार जनसंख्या यहां पर बढ़ती चली जा रही है ठीक है, यहां पर लगातार हजारों लाखों लोग लगातार यहां पर हर साल आते हैं और जाने वालों की संख्या बहुत कम होती है, जिसके कारण यहां पर डेवलपमेंट की बात और ज्यादा जरूरत यहां पर पड़ने वाली है, तो उसकी आप जब तक उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ाते हैं उसके क्षेत्र को नहीं बढ़ाते हैं उसके रहन सहन खाने पीने हर चीज की कैपेसिटी को आप डेवलप नहीं करते हैं तो आगे चलकर एक व्यवस्थित हो सकती है दिल्ली जैसी जगहों पर ठीक है, तो हम अब बात करते हैं आईआर की, इस टॉपिक को एक किनारे रखते हैं, ये टॉपिक आप चर्चा पर चर्चा करते रहेंगे तो काफी टाइम चला जाएगा, चलिए हाँ हम आईआर पढ़ने आए और पता चला हम पॉलिटिक्स पढ़ते चले जा रहे हैं, चलिए बात करते हैं मुशर्रफ ने क्या क्या प्लान किए थे, मुशर्रफ ने क्या कहा, मुशर्रफ थे कौन, पहले प्रधानमंत्री, ये आपके पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख थे और उसके बाद वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए थे राष्ट्रपति बने और उनके द्वारा कुछ योजना लेकर आए
और उस योजना के आधार पर उन्होंने चार कारण बताए, चार मत दिए, चार उन्होंने अपनी तरफ से प्लान दिए जिसके तहत आप कश्मीर के समस्या का समाधान कर सकते, जिसमें से उनके पहला था स्वशासन। विसैनिकरण तब पहले राष्ट्रीय नहीं, पहले राष्ट्रीय नहीं बने थे, ठीक है। स्वशासन, विसैनिकरण, साझा निगरानी तक, जी हाँ, ये मुशर्रफ योजना, और आपका सीमाओं को अप्रासंगिक बनाना। ठीक है, इन्होंने कहा कि कश्मीर समस्या के समाधान के लिए वहां पर हम कुछ चीजें अगर लागू करें तो एक बेहतर समन्वय स्थापित किया जाता है, एक बेहतर रिजल्ट प्राप्त किया जा सकता है, और वहां पर हम एक शांतिपूर्ण माहौल क्रिएट कर सकते हैं आपका कश्मीर, जिसके लिए हमने सबसे पहले बोला स्वशासन की प्रक्रिया। स्वशासन की प्रक्रिया का मतलब है कि मुशर्रफ ने कश्मीर में बोला कि आपको सबसे पहले जो आपके सीमा, जो आपके सैनिक हैं, ठीक है, वहां पर जो सरकार है, उस सरकार को आप निरस्त करिए, और सरकार को निरस्त करने के बाद वहां पर उन कश्मीरियों के द्वारा एक चुनाव हो, और उनके द्वारा चुनाव होने के बाद वहां पर जो शासन सरकार बने वो अपना शासन देखे, वहां पर उसको संचालित करे। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि विसैनिकरण कर देना चाहिए, जो भी आपकी सीमा कश्मीर में जो कि आपके सुरक्षा बल हैं, जो आपकी सेनाएं हैं, उनको वहां से हटा देना चाहिए। तीसरा उन्होंने बोला कि जो आपकी सीमाएं हैं, इन सीमाओं को अप्रासंगिक बना देना चाहिए, जिसका अप्रासंगिकता मतलब जिनका आप कोई महत्व तो ना रह जाए, ठीक है। किस प्रकार की सीमाएं, जो आपका कश्मीर के बीच वहां पर युद्ध के बाद की जो स्थिति बना दी गई थी, जो सीमा जिनके पास नियंत्रण था कश्मीर का पाकिस्तान के पास और जो कश्मीर का भारत का, उस सीमाओं को क्या करना है, उन सीमाओं को अप्रासंगिक बना देने से कश्मीरियों को आवाजाही में, वहां के लोगों को आपस में जुड़ने में, व्यापार करने में एक दूसरे से सुविधा हो जाएगी, और ये तभी हो सकता है जब आप उनकी सीमाओं को अप्रासंगिक बना दें, लोगों को आने जाने की मनाही ना करें, ठीक है। चौथी बात उन्होंने की कि हम इसको साझा निगरानी तंत्र के रूप में विकसित कर सकते हैं, जहां पर एक कमेटी बनाई जाए, जहां पर कुछ पाकिस्तानी और कुछ भारतीय अधिकारियों के द्वारा उस पर कश्मीर पर लगातार निरीक्षण किया जाए, वहां पर होने वाली समस्याओं पर रूबरू हुआ जाए, उनके समाधान की साझा मिलकर मतलब साथ में मिलकर उसको सुधारने का प्रयास किया। तो क्या ये बेहतर विकल्प हो सकता था कश्मीर के समाधान के लिए? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर ये सबसे पहले बोल रहे हैं स्वशासन, ये स्वशासन का क्या मतलब है? जब आप एक संधि के तहत किसी दूसरे राज्य में मिले कर लिया आपने, तो स्वशासन किस चीज का? यहाँ पर एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी की, और दूसरी चीज भारत के द्वारा वहां पर उस चीज को मना कर दिया गया। अच्छी चीज ये की थी कि उन्होंने बोला कि सीमाओं को अप्रासंगिक बनाए, दूसरी गलत बात यह थी कि उन्होंने साझा निगरानी तंत्र को विकसित किया, क्योंकि भारत जो ये मानता है कि कश्मीर उसका है, अगर वो एक साझा निगरानी तंत्र विकसित करता है तो कहीं ना कहीं वो ये मान लेता है कि कश्मीर में किसी और का भी अधिकार है, वहां पर किसी और के हस्तक्षेप को वो एक लाइसेंस दे देता है, जो भारत सरकार ने इस चीज को इसके आधार पर मना कर दिया। इस पॉइंट के आधार पर उन्होंने इस योजना को पूरी तरह से मना कर दिया कि हम इस चीज को लागू नहीं करेंगे, ठीक है। साझा निगरानी तंत्र आप तभी विकसित करते हो जहां पर आप तो दोनों की समस्याएं हों, जहां आप दोनों उस पर अपना अपना दावा ठोकते हो और साथ में चाहते हो कि उसका कोई समाधान निकले, और भारत अगर इस चीज को मान लेता जहां पर वो साझा निगरानी तंत्र को विकसित करने की बात कहता कि ठीक है हम इस चीज को मानते, कहेंगे वो ये भी मान लेता है कि कश्मीर पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी हक है, ठीक है। तो ये सारी समस्याओं के तहत भारत सरकार के द्वारा इस चीज को शासित करने से मना कर दिया गया। और एक चीज यहां पर और भी कि जो यूएन की विवादों की सूची रही है आज तक, क्या उसमें कश्मीर समस्या को विवादों की सूची में रखा गया है? नहीं।
यूएन की एक अपनी विवादों की सूची है, वहां पर विश्व में ऐसे कौन कौन से विषय हैं जो विवादों के दायरे में आते हैं और वो यूएन के अंतर्गत उनकी बातों को सुना भी जाता है। तो कश्मीर समस्या को यूएन के द्वारा अपनी विवादित सूची से हटा दिया, क्योंकि वो तभी कुछ करेंगे जब दोनों राष्ट्र मानेंगे और उसको अभी भी इंडिया बोलते रहता है कि यूएन में जाना चाहिए। हाँ, यूएन भारत सरकार के द्वारा यूएन में अगर आप जाना चाहते हो तो दोनों पक्षों को जाना चाहिए, तभी वो सुनेगा। दूसरी चीज, भारत सरकार हमेशा से किसी तीसरे पक्ष की कश्मीर पर मध्यस्थता को मना करता है, ना ही वो यूएन की चाहता है और ना ही किसी अन्य देशों की वहां पर स्थिति को, वहां पर हस्तक्षेप की स्थिति वो चाहता है। वो चाहता है जो भी होगा हम दो देश, हमारे आपस का मामला है और हम इसे अपने तरीके से समझाएंगे, आप किसी अन्य देश की यहाँ पर उपस्थिति को हम नहीं चाहते। ठीक है, ये अच्छे बात है, सीमाओं को कहने के अप्रासंगिक बना देना, कहने के जो कश्मीर की जो एक समस्या है उसका एक वाजिब नियंत्रण, अब जो भारत सरकार चाहता है, जो अभी गुलाम कश्मीर, आजाद कश्मीर जैसी समस्या है, भारत भी यही चाहता है कि पूरा कश्मीर उसके साथ में, उसके हक में, जो आप नक्शे में दिखाता है उसका यही स्थिति है, कश्मीर उसके साथ में होना चाहिए, उसके समय होना चाहिए, उसके क्षेत्र में आना चाहिए। और उसके लिए कहीं ना कहीं आपको जो क्षेत्र है उसके लिए सबसे पहले अपने सीमाओं को हटाना पड़ेगा, जो आपके दोनों के कब्जे में है उस कश्मीर को कहीं ना कहीं अपने अपने कब्जे से हटना पड़ेगा वहां से। ठीक है, और भारत सरकार ये तब तक नहीं करेगा जब तक वो सारी चीजें आपको पहले से पाकिस्तान के द्वारा सही तरीके से लागू नहीं की जा सकती। ठीक है, तो चलिए पहले थोड़ा थोड़ा इन बात के बारे में लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डालिए कश्मीर की स्थिति आफ्टर ग्राम, इसमें लिखिएगा ग्राहम के सुझाव के अनुसार भारत पाक के प्रधानमंत्रियों की कई मुलाकातें हुई। सुझाव के बाद ग्राहम के सुझाव के अनुसार भारत पाक के प्रधानमंत्रियों की कई मुलाकातें हुई 1954 में। नेक्स्ट पॉइंट, 1954 में कश्मीर में जनमत संग्रह करवाया गया। 1954 में कश्मीर में जनमत संग्रह करवाना तय हुआ, परंतु प्रशासन के नाम पर सहमति ना बन पाने के कारण यह नहीं हो सका। जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने, नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखते चलिए जब तक हेडिंग हम चेंज कर लेंगे ना बोले। ठीक है, जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने 6 फरवरी 1954 को भारत में कश्मीर के विलय का अनुमोदन किया। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में कश्मीर के विलय का अनुमोदन किया। नेक्स्ट पॉइंट, कश्मीर संविधान में जम्मू कश्मीर को भारत का अंग घोषित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, भारत ने 26 जनवरी 1957 को के विलय 26 जनवरी 1957 के विलय को जनता की इच्छा के अनुसार अंतिम रूप दे दिया। भारत ने 26 जनवरी 1957 के विलय को जनता की इच्छा के अनुसार अंतिम रूप दे दिया, अतः संविधान सभा के द्वारा जनता ने महाराजा के विलय के निर्णय का समर्थन कर दिया।
अतः संविधान सभा के द्वारा जनता ने महाराजा के विलय के निर्णय का अनुमोदन कर दिया या समर्थन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पॉइंट डालिएगा, हेडिंग डालिएगा, भारत द्वारा कश्मीरी विरोध को संतुलित करने के लिए किए जा सकने वाले प्रयास, इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, में एक संवैधानिक आदेश द्वारा भारतीय संविधान को जम्मू कश्मीर तक विस्तारित कर दिया, जम्मू कश्मीर तक विस्तारित कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, जम्मू कश्मीर तक विस्तारित कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, 1956 में, 1956 में एक संविधान संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर भारत के सामान्य राज्यों के रूप में प्रतिस्थापित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, 1958 में अनुच्छेद 312 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में अखिल भारतीय सेवाओं को विस्तारित कर दिया गया, अखिल भारतीय सेवाओं को विस्तारित कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, 1965 में अनुच्छेद 249 के अंतर्गत, 1965 में अनुच्छेद 249 के अंतर्गत, 249 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर विधानसभा की विद्यमान शक्तियों को संवैधानिक प्रावधानों, के अंतर्गत संसद द्वारा उपयोग में लाने का विकल्प, इस बात को स्थापित करता है कि विलय की विलय पत्र की मूल भावना के विपरीत भारत जम्मू कश्मीर के विशेष स्तर को समाप्त करना चाहता है, नेक्स्ट पॉइंट, जम्मू कश्मीर के द्वारा अलग संविधान रखा जाना उसकी स्वायत्तता को दर्शाता है, नेक्स्ट पॉइंट, धारा 370, अनुच्छेद 370 की भी जम्मू कश्मीर को
भी जम्मू कश्मीर को स्वायत्त राज्य के रूप में स्थापित करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में लिखेगा हेडिंग डालिए कश्मीर मुद्दे पर मुशर्रफ योजना। ठीक है, तो ये आपकी योजना के चारों पॉइंट पहले लिख लीजिएगा। स्वशासन लिखे मैं बोलूं स्वशासन, दूसरा विसैनीकरण, तीसरा सीमाओं को अप्रासंगिक बनाना, चौथा साझा निगरानी तंत्र। अब इसमें लिखिएगा, हाँ पॉइंट वाइज लिखते चलिए। कश्मीर में सॉरी मुशर्रफ ने कश्मीर समस्या पर सबसे मुशर्रफ ने कश्मीर समस्या पर सबसे अधिक बल सीमाओं को अप्रासंगिक बनाने पर दिया। जिसे भारत वास्तव में कश्मीर मुद्दे पर बनाने पर सबसे अधिक बल सीमाओं को अप्रासंगिक बनाने पर दिया। जिसे भारत वास्तव में कश्मीर मुद्दे पर काफी प्रभावी मानता है। सेकंड पॉइंट, दोनों कश्मीर मतलब आजाद कश्मीर और गुलाम कश्मीर की जो संज्ञा दी जाती है, ठीक है, दोनों कश्मीर ऐतिहासिक सांस्कृतिक सामाजिक और आर्थिक जुड़ाव रखते हैं। इसके लिए बस डिप्लोमेसी ट्रेन डिप्लोमेसी और सीमा पार व्यापार द्वारा इस जुड़ाव को पुनः बहाल करना आप स्थिति को अगर सामान्य करना चाहते हैं तो आपको कश्मीर में इन सारी चीजों को करना होगा ताकि लोगों की आवाजाही सुनिश्चित हो। जब एक दूसरे से लोग जुड़े हुए हैं तो और ज्यादा घुलने मिलने के अवसर मिलने चाहिए और कहीं ना कहीं स्थिति को सामान्य करने में मदद कर सकते हैं। आजाद कश्मीर की ओर कौन सा बोला जाता है, जो आपके पाकिस्तान के कब्जे में है वो उसको बोलते हैं कि आजाद कश्मीर है, जो भारत के कब्जे में है उसको वो लोग बोलते हैं कि ये गुलाम कश्मीर है और हमें इसे आजाद करना है। हाँ, पाकिस्तान ये संज्ञा देता है आजाद कश्मीर और गुलाम कश्मीर। भारत के लिए सिर्फ कश्मीर है, जम्मू कश्मीर एक राज्य है, वहां गुलाम और आजाद जैसी कोई प्रक्रिया वो नहीं देते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा विसैनीकरण के मुद्दे पर भारत कश्मीर में प्रायोजित आतंकवाद की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए संभव नहीं मानता है। भारत हाँ इसी के अंतर्गत किसानी करने के भारत शांति एवं स्थिरता प्राप्त करने के बाद भारत जम्मू कश्मीर में शांति एवं स्थिरता प्राप्त करने के बाद वह विसैनीकरण का विकल्प
लागू करने की बात करता है। शांति एवं स्थिरता प्राप्त करने के बाद वह विसैनीकरण को लागू करने की बात कहता है। नेक्स्ट पॉइंट, साझा निगरानी तंत्र एक विवादित संकल्पना है। साझा निगरानी तंत्र एक विवादित संकल्पना है क्योंकि भारत कश्मीर को भारत का एक संप्रभु, कश्मीर को भारत का एक संप्रभु अंग मानता है। ठीक है, और यहां पर नीचे एक पॉइंट लिख लीजिए कि यूएन ने अपने विवादों की सूची से कश्मीर समस्या को हटा दिया है। यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र ने अपने विवादों की सूची से कश्मीर को समस्या को हटा दिया है।